दोस्तों, विवेक पवार आपका स्वागत करता है पॉलिसी पैनल में। आज हम आपके लिए बहुत एक नया अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कि ऑनलाइन इंश्योरेंस क्यों खरीदे, ऑनलाइन इंश्योरेंस खरीदना ठीक है, ऑनलाइन खरीदना ठीक नहीं है और ऑनलाइन इंश्योरेंस से आपको क्या फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा ये नया टॉपिक। बने रहे हमारे साथ और हमारे अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। हम हमारे लिए आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज हमारा नया टॉपिक कि ऑनलाइन इंश्योरेंस के लिए क्यों जाए, क्या फायदा हो सकता है आपका इसमें। ठीक है, तो दोस्तों ऑनलाइन आजकल हम सब लोग ऑनलाइन है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। पेटीएम से हम लोग पेमेंट करते हैं, हम लोग एयर टिकट्स ऑनलाइन ही खरीदते हैं, हम लोग होटल भी ऑनलाइन बुक करते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं तरीके से किसी न किसी तरीके से ऑनलाइन में फायदा होता है। तो दोस्तों इंश्योरेंस की जब बात करें तो हमें अभी तक आदत थी कि एक कोई एजेंट आता है हमारे पास, वो हमें पॉलिसी समझाता है, हमारा फॉर्म भरता है, हमारा चेक लेके जाता है, हमारा रिन्यूअल उठाता है, वो सब कुछ जो है वो उसके भरोसे पे हम लोग करते थे। एक इंश्योरेंस एजेंट था, वो हमारा एक पार्ट बन चुका था हमारे लाइफ का, या आप कह सकते कि एक हमारे दोस्त था और उसके विश्वास पे हम लोग सब काम करते थे। ठीक है, तो अभी ये ऑनलाइन नया आ चुका है तो लोग बहुत सारे कंफ्यूज है कि भैया लोग बोलते कि मैंने ऑनलाइन पॉलिसी ली तो मुझे फायदा हुआ, लेकिन मैं जाऊं क्या, कि मुझे क्लेम मिलेगा नहीं कि नहीं, कि या मैं ऑनलाइन खरीदूं तो मेरा पेमेंट ठीक से होगा कि नहीं। तो दोस्तों चर्चा करते हैं कि ऑनलाइन इंश्योरेंस के लिए जाना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहली बात कि ऑनलाइन इज अ सेफ एंड सिक्योर, क्योंकि सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। तो ऑनलाइन इज सेफ एंड सिक्योर क्योंकि क्या है कि ऑनलाइन का जो पेमेंट है डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में जाएगा, इंटीग्रेशन किया गया रहता है। जो वेब एग्रीगेटर्स है ऑनलाइन इंश्योरेंस बेचने के लिए जिनको आईआरडी ने परमिशन दी है, तो उनका एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेरेंस जो रहता है उसके साथ इंटीग्रेशन हुआ रहता है, कंपनी के साथ डायरेक्ट टाइप है, तो क्लाइंट का पैसा डायरेक्टली उस कंपनी के अकाउंट में जाएगा, ना कि किसी और के अकाउंट में जाएगा। तो बिल्कुल ही सेफ है, सिक्योर है, क्योंकि जो भी सिक्योर प्लेटफॉर्म यहाँ पे रहते हैं वही यूज किए गए रहते हैं, डेडिकेटेड सर्वर इंडिया में होस्टेड रहता है, कंप्लीटली सेफ एंड सिक्योर रहता है। तो आज तक हमने कभी देखा नहीं कि इंश्योरेंस का कोई पेमेंट हो किसी और के अकाउंट में गया, कुछ हो गया, तो इट्स सेफ एंड सिक्योर। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आजकल टाइम की बहुत बहुत कमी है कि हम किसी के पास जाए पॉलिसी करे, या कोई मेरे पास आए, मुझे दो बार तीन बार आए मेरे पास मुझे समझाए, तो इतना मेरे पास टाइम नहीं है। और क्या है, मैं निकला हूं कहीं और पे मेरे गाड़ी के साथ में, मुझे पता चला कि आज शाम को मेरा इंश्योरेंस खत्म हो रहा है गाड़ी का, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऑनलाइन नहीं जा सकता हूं। तो दोस्तों सेफ एंड सिक्योर के साथ दूसरा पॉइंट है कि मैं मेरा टाइम बचाता हूं। ऑनलाइन से क्या होता है कि दो मिनट में पेमेंट और पॉलिसी मेरी बन जाती है, तुरंत मेरा कवर चालू हो जाता है। ये इसका मेन बहुत ही बड़ा पॉइंट है कि टाइम बचता है, कि मैं कोई मीटिंग करने की जरूरत नहीं, मैं ऑनलाइन जाता हूं, कंपैरिजन कर सकता हूं, ये एक बड़ा पॉइंट है। अलग अलग कंपनियों के साथ में कंपेयर किया जा सकता है, वहां पे पॉलिसी का ब्रोशर पढ़ा जा सकता है, वहां पे हम लोग सबके फीचर्स चेक कर सकते हैं, और क्या है कि सबसे सस्ता भी हम पैसा भी बहुत बचा सकते हैं। दोस्तों बहुत फिल्टर्स लगे रहते हैं कि कौन सा सस्ता है, कौन सा महंगा है, कौन सा अच्छा है, उसके पिछला हिस्ट्री क्या है, कितना उसका क्लेम सेटलमेंट का रेशियो है, ये सब लोग हम जान सकते हैं, कौन सा कैशलेस है, अगर हॉस्पिटलाइजेशन का है पॉलिसी तो कितने नेटवर्क हॉस्पिटल्स है आपके एरिया में, ये सब कुछ हम लोग ऑनलाइन खुद देख सकते हैं। और हमारे टाइम के अनुसार हमें रात का समय मिले, हमें दोपहर का समय मिले, सैटरडे हो, संडे हो, कोई भी वक्त किसी भी समय हम हमारे समय के अनुसार ये पॉलिसी खरीद सकते हैं। तो इसमें टाइम का बहुत ही बचत होगा, क्योंकि आजकल ट्रैफिक है और बहुत सारे काम पड़े रहते हैं, फैमिली को समय देना रहता है दोस्तों। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ऑनलाइन यूज करें, ऑनलाइन का फायदा लें। दूसरी बात क्या है कि चीपेस्ट प्राइसेस, जैसे आपको बोला कि प्राइसेस में आपको सबसे सस्ता मिलेगा, तो पैसे की बचत होगी। क्या है कि टर्म इंश्योरेंस ले, हेल्थ इंश्योरेंस ले, इसमें पैसा हमें मिलना वापस नहीं है, टर्म इंश्योरेंस में पैसा वापस नहीं मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस में पैसा वापस नहीं मिलता है। तो दोस्तों जितना कम में हम ये कवर ले उतना आपका फायदा रहेगा,
क्योंकि इसमें पैसा वापस नहीं मिलना। इन्वेस्टमेंट के प्लान भी ऑनलाइन है, उनमें जीरो चार्जेस। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है, अगर हम एजेंट से लेंगे तो महंगे पड़ेंगे, क्योंकि एजेंट की कॉस्ट, उसके एसएम की कॉस्ट, उसके ब्रांच की कॉस्ट, वो इन्वॉल्व है। वो पैसा जो है वो पैसा लिया जाएगा क्लाइंट की जेब में से। तो नेचुरली दोस्तों आप देखिए, ऑनलाइन जाइए, चेक कीजिए, मैं आप जो आपको जो बोल रहा हूँ उसको वेरीफाई कीजिए। जरूर आपको पता रहे कि ऑनलाइन यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में जीरो चार्जेस प्लान है। आप बजाज का देखिए, एचडीएफसी का देखिए, या कोई भी कंपनी का देखेंगे तो देर आर जीरो चार्जेस प्लान। तो दोस्तों ये बहुत बहुत बड़ा फर्क है। आप अगर टर्म इंश्योरेंस की बात करोगे तो दुगना फर्क आता है। कोई 30 इयर्स एज का पर्सन है, 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेना चाहे, 8,000 के प्रीमियम में उसको कवरेज मिल जाएगा। लेकिन यही आप अगर फिजिकली जाओगे, ब्रांच में जाओगे, तो दुगने से ज्यादा प्रीमियम आता है, क्योंकि वहां पे सब कुछ फिजिकली इन्वॉल्वमेंट है। और दोस्तों ये प्रीमियम आपको हर साल भरना है, तो ये एक साल की बात नहीं है, अगले साल, उसके अगले साल, 20 साल, 25 साल, तो उतना पैसा आपका बचेगा, उसको ध्यान में रखिए, क्योंकि ये पैसा वापस नहीं आएगा, इसमें रिटर्न्स नहीं देते। टर्म इंश्योरेंस प्लान में, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में, मोटर इंश्योरेंस में जो पैसा है वो एक खर्चा है, एक एक्सपेंस है, हमारा कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है, इसमें हमें रिटर्न्स नहीं मिलने हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो जितना हमें कम चार्जेस लगेंगे प्लान में, उतने हमारे प्लान में रिटर्न्स ज्यादा आएंगे, राइट? क्योंकि मैंने 100 रुपए डाले और मेरे 100 रुपए इन्वेस्ट हो गए तो मुझे ज्यादा रिटर्न आएगा। अगर मेरे 90 रुपीज इन्वेस्ट हो गए, 10 रुपए चार्जेस लगे, तो मुझे रिटर्न्स 90 पे आने, ना कि 100 पे, राइट? तो ये मेन बात है। और रही बात क्लेम की, क्लेम की बात क्या है कि अगर क्लेम आना है 10 साल 15 साल के बाद, कभी भी आना है, तो क्लेम देने वाला कौन है? क्लेम देने वाली कंपनी है, ना कि एजेंट है। तो यहाँ पे क्या है, कंपनी ने अपने टोल फ्री नंबर दे के रखे है, अपना कॉल सेंटर ओपन करके रखा है, और क्या है, ईमेल आईडीज है, आप पॉलिसी के पीछे सब कुछ लिखा हुआ रहता है, आप वहां पे जा सकते हैं, ऑनलाइन जा सकते हैं, सब कुछ चेक कर सकते हैं, आपको हेल्प करने वाले कॉल सेंटर्स अवेलेबल है, और क्लेम देने वाली कंपनी है। कंपनी अगर मर्ज हो गई तो वो दूसरी कंपनी आपको हेल्प करेगी, क्योंकि आईआरडी के गाइडलाइन में सब कुछ चलता है। तो इसमें एजेंट का रोल कहीं पे भी नहीं है। अगर एजेंट पॉलिसी बेचने आएगा, पॉलिसी का रिन्यूअल लेने आएगा, क्लेम में भी हेल्प करेगा, मैं नहीं कहता हूं कि नहीं करेगा, करेगा, लेकिन वो उस वक्त वो भी रहेगा कि नहीं रहेगा ये मालूम नहीं। तो क्लेम देने वाली कंपनी है दोस्तों, तो बिल्कुल भी मत घबराइए, क्लेम के लिए आप एजेंट के साथ में मत जाइए, ऑनलाइन का फायदा लीजिए और बिंदास रहिए कि आपको क्लेम का कोई दिक्कत नहीं आने वाला, क्योंकि कंपनी को भी उनके रेपुटेशन की, रेपुटेशन का ख्याल रहता है। तो दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, व्हाट्सएप ईमेल पे आपको डॉक्यूमेंट तुरंत मिलते हैं, पॉलिसी की आपको व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट आ गए, आपको ईमेल पे डॉक्यूमेंट आ गए, हार्ड कॉपीज आपके घर पे बाय पोस्ट 7 से 8 दिन में पहुंच जाते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन भी तुरंत होता है, आपका कवरेज चालू होता है। रही बात अगर कहीं भी मेडिकल आना हो तो आपसे कोऑर्डिनेट करके आपका टाइम लेके घर पे डॉक्टर लोगों को भेजते हैं, जहां पे सर्विस अवेलेबल नहीं है वहां पे आपको जाना जाके करना पड़ता है। तो दोस्तों खुद का थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मोबाइल से भी, कंप्यूटर से भी होना पड़ेगा, और इससे आपका बहुत फायदा होने वाला है। तो क्यों ना अपना थोड़ा टाइम देकर हम ऑनलाइन जाकर पैसा बचाए। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट बात, फॉर्म जो है हमें खुद भरना है, मेरा फॉर्म मैं खुद भर रहा हूं, मेरी इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम है, मैं किसी एजेंट को फॉर्म भरने दे रहा हूं तो न मालूम वो पॉलिसी होने के लिए कुछ भी भर सकता है, वो बोलेगा ही इज अ नॉन स्मोकर, ही इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रेसिंग काइंड ऑफ थिंग, और मैं वो कर रहा हूं तो क्या होगा, क्लेम को दिक्कत आएगी। तो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें रहती है जो हमें खुद भरनी पड़ती है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग खुद फॉर्म भर रहे हैं यहाँ पे ऑनलाइन। तो मेरा इन्फॉर्मेशन, मेरा नाम मैं सही लिख सकता हूँ, मेरा आधार नंबर, मेरा पैन नंबर, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी, मेरा एड्रेस, मेरा नॉमिनी का नाम मैं सही लिखूंगा, क्योंकि मुझे वही पूछा जा रहा है जो मेरे इंडिविजुअल का इन्फॉर्मेशन है। तो बिल्कुल ही बिल्कुल मैं सही इन्फॉर्मेशन भरूंगा, मुझे क्लेम भी मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन कोई भी यहाँ पे छुपाई नहीं, यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन भरी नहीं। तो दोस्तों एनी टाइम बाय कर सकते हैं, ये भी आपको मैंने बताया। और क्या है कि हमें अलग अलग वेबसाइट में जाके, यहां वहां जाके सबका, यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉग्स अवेलेबल है, बहुत सारे आर्टिकल्स अवेलेबल है, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप सबके ऊपर जरा विचार कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और
अच्छा प्लान ले सकते हैं। कैशलेस होना चाहिए, कितने नेटवर्क हॉस्पिटल्स है, कितने नेटवर्क गैरेजेस है मोटर इंश्योरेंस के लिए, कौन सा सस्ता प्रीमियम है, कौन सा हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए कवरेज देने वाला प्लान है, कौन सा मेरे लिए सुटेबल है, कौन सा गवर्नमेंट का कंपनी, कौन सा प्राइवेट है, किसका कितना क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, ये सब आपको ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन इसका मिलेगा। तो दोस्तों आपको समझने के लिए टाइम मिलेगा, सामने आपके एक एजेंट रहेगा तो तुरंत बोलेगा, प्रेशर डालेगा, सर ले लीजिए मैं इतने दूर से आया हूँ, तो वो आपके पास एक ही कंपनी लेके आएगा। जैसे कि कोई LIC का एजेंट है तो LIC का लाएगा, कोई अगर बजाज का एजेंट है तो बजाज का सिर्फ पॉलिसी बेचेगा, वो 10 कंपनी का प्लान आपके पास नहीं ला सकता, उसको परमिशन नहीं है, तो आपके सामने वो कंपैरिजन रखेगा नहीं, उसके पास ऑप्शन नहीं, वो आपको भी ऑप्शन नहीं देगा। तो दोस्तों वो आपको नॉलेज भी नहीं देगा कि इसमें ये खराब बात है, इसमें इससे बढ़िया प्लान आ चुका है मार्केट में। ऑनलाइन क्या है, करंट आपको जो अच्छे प्लान है वो अवेलेबल रहते हैं, अलग अलग वेबसाइट पे सर्च कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, अपने भविष्य के लिए आप करने जा रहे हैं थोड़ा प्लान से कीजिए, चाइल्ड का भविष्य मतलब इन्फ्लेशन देखिए कितना आ रहा है, अभी बच्चे के लिए 10 लाख रुपए खर्चे हैं तो आगे जाके क्या होगा, सभी कैलकुलेटर्स इसके लिए अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप प्लानिंग से जाए, थोड़ा टाइम लीजिए, लेकिन प्लीज गो ऑनलाइन। तो ऑनलाइन जाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट भी अपनी सभी सुविधाएं ऑनलाइन ला रहा है, ऑनलाइन की वजह से जो है करप्शन भी कम होता जा रहा है, ऑनलाइन से सबका टाइम बच रहा है। दोस्तों इतना ट्रैफिक है बाहर, मैं भी आपको जो मिल रहा हूं आपसे बात कर रहा हूं वो ऑनलाइन माध्यम से बात कर रहा हूं। दोस्तों क्या पॉसिबल है मुझे आपको सबसे मिलना, नहीं पॉसिबल। तो देखिए ये ऑनलाइन का ही कमाल है, जो हमें मिला है उसका हमें यूज करना है और ऑनलाइन से डरना नहीं हमें। सबारी मैं आपका सबका आभारी हूँ, आप सबने मेरा इतना टाइम दिया वीडियो देखने के लिए। अगली वीडियो में हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक लेके आएंगे। आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको फायदेमंद लगी हो तो प्लीज शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अगले वीडियो हमारा जरूर वॉच कीजिए। मिलते हैं, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।